आज हमारे साथ हैं प्रसिद्ध आचार्य विक्रमादित्य जी, जो कि हमें नवरात्र के बारे में जानकारी देंगे। आचार्य जी, छठा नवरात्रा, ये किस प्रकार पूजा अर्चना की जाए? नवरात्र वैसे तो भारत भगवती संस्कृति का एक अद्भुत अवसर है। नवरात्र अपने आप में भगवती की आराधना करने का एक ऐसा अवसर है कि जहाँ पर जो भी परमात्मा की आराधना करने का प्रयास करते हैं उनकी तमाम मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। छठा नवरात्र भगवती कात्यायनी को पसंद करने के लिए किया जाता है। कात्यायन ऋषि हुए हैं भारतीय संस्कृति में, उन्होंने भगवती की आराधना कर भगवती को प्रसन्न किया और उनसे आशीर्वाद मांगा कि हे भगवती, आप मेरे यहाँ कन्या के रूप में अवतरित हो। तो भगवती ने ये मनोकामना उनकी पूर्ण करी और उनके नाम से ही विख्यात हुई। कात्यायन ऋषि के नाम से ही कात्यायनी भगवती विख्यात हुई, तो इसीलिए इस दिन कात्यायनी देवी की आराधना का विशेष महत्व शास्त्र में बताया गया है। और उस दिन विशेष तौर पर भगवती को लाल वस्त्र समर्पित करने चाहिए, लाल चूड़ियां समर्पित करनी चाहिए, हलवे का भोग लगाना चाहिए और कन्याओं का विशेष तौर पर पूजन करना चाहिए। इस दिन शास्त्र कहता है 6 कन्याओं का पूजन करने से, उनको वस्त्र इत्यादि उपहार स्वरूप देने से और उनका आशीर्वाद देने से आपकी तमाम मनोकामनाएं पूर्ति को प्राप्त होती है। राशियों की बात करें तो किस राशि अनुसार किस तरह पूजा अर्चना की जाए? देखिए, राशियों के अनुसार तो ये समझना चाहिए किन राशियों के लिए समय अच्छा चल रहा है, किन राशियों के लिए समय थोड़ा अनुकूल नहीं चल रहा है। यदि मेष राशि के संबंध में बात करें तो मेष राशि वालों के लिए समय थोड़ा महत्वाकांक्षी चलता है। उनको भगवती के मंत्र सर्वमंगल मांगल्य शिवे सर्वार साधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते, इस मंत्र का जप करना चाहिए। वृक राशि वालों के लिए ये समय काफी अनुकूल है, समय उनके लाभ देने के लिए है, तो उनको कोशिश ये करनी चाहिए श्री गणेश की आराधना विशेष तौर पर इस दिन करनी चाहिए और उन्हें पीले पुष्प समर्पित करने चाहिए। और मिथुन राशि वालों के लिए बात करें तो मिथुन राशि वालों के लिए थोड़ा सा समय आज के दिन भारी दिखाई देता है, कष्टमय दिखाई देता है, तो उनको कुछ हरी चीजों का दान करना चाहिए आज के दिन। और हरी चूड़ियों को दान कर सकते हैं कन्याओं को, छोटे बच्चे जो 8 वर्ष से छोटे बच्चे हैं उनको दे सकते हैं। और कर्क राशि वालों के लिए सफेद चीजों का दान करना परमश्रेष्ठ रहेगा। और भगवती का मंत्र है सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विता मनुष्य मुत्पादिन भविष्य निशंशया। वहीं सिंह राशि के संबंध में यदि बात करें तो सिंह राशि वालों के लिए उनका समय थोड़ा सा ऐसा दिखाई देता है कि स्वास्थ्य संबंधित कोई परेशानी उनके जीवन में उनको थोड़ा परेशान कर सकती है। थोड़ी बुद्धि को शांतमय रखने का प्रयास करें क्योंकि शनि महाराज की जो स्थिति है इस तो पंचम भाव में है और बुद्धि को अशांत कर सकती है, परिवार में थोड़ा कलह दे सकती है। तो कोशिश करें नीले वस्त्रों का दान करें। कन्या राशि वालों के लिए थोड़ा स्वास्थ्य संबंधी समस्या दिखाई देती है तो उसके लिए काली मिर्च का दान करना उनके लिए बहुत श्रेष्ठ रहेगा, या काली मिर्च को भगवती के निमित्त अर्पित करें। तुला राशि के संबंध में बात करें, तुला राशि वालों का समय बड़ा श्रेष्ठ दिखाई देता है, आगे बढ़ने के अवसर प्राप्त होंगे, गौ सेवा करने से उनको लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे। वृश्चिक राशि वालों के लिए जो समय है वो नोट कर लें, थोड़ा शनि मंगल का टकराव चल रहा है आपकी कुंडली के अनुसार इस समय में, तो आपको विशेष तौर पर भगवती की आराधना करनी चाहिए और कमल के पुष्प आज के दिन विशेष तौर पर उन्हें समर्पित करने चाहिए। धनु राशि वालों के लिए आज का जो समय है वो समझ के नोट कर लें, थोड़ा क्लैश का और द्वंद्वात्मक समय दिखाई देता है। आप यदि काली उड़द का दान करेंगे तो परम श्रेष्ठ रहेगा आपके लिए और भगवती के मंदिर में जाकर उन्हें लाल वस्त्र समर्पित करें। वहीं मकर राशि वालों के लिए आज का समय कैसा है वो भी आप नोट कर लें। मकर राशि वालों के लिए समय जो है वो ऐसा है कि जितना दान करेंगे इस समय में उतना उन्नति के योग उनको प्राप्त होंगे। मकर राशि वालों के बाद नंबर है कुंभ राशि वालों का। कुंभ राशि वालों के लिए समय लाभप्रद दिखाई देता है, उनको अपने बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए, बुजुर्गों का आशीर्वाद देना चाहिए। मीन राशि वालों के लिए समय परम श्रेष्ठ है, बढ़िया है, लाभ के योग बनाएगा और आप पीले लड्डुओं का भगवती को प्रसाद का भोग लगाएं और वो ग्रहण करें, कल्याण होगा। आचार्य जी, इस बार अष्टमी और नवमी का क्या समय है पूजा अर्चना की जाए अष्टमी पे और नवमी पे? देखिए, एक नवरात्र घट गया है, अष्टमी और नवमी का योग एक ही दिन पड़ रहा है, रविवार के दिन दोनों का योग रहेगा, तो हमें उन दोनों को जो भी अष्टमी पूजते हैं वो भी उस दिन पूज सकते हैं, नवमी पूजते हैं वो भी उसी दिन पूज सकते हैं। तो रात्रि के समय परम श्रेष्ठ काल रहेगा, महानवमी का अवसर रहेगा, ऐसे में हमें भगवती के निमित्त जाकर भंडारा करना चाहिए, कन्याओं का पूजन करना चाहिए और यज्ञ इत्यादि करना चाहिए, तमाम मनोकामना पूर्ति का अवसर आपको प्राप्त हो रहा है। शुभ संयोग है कि अष्टमी और नवमी का महायोग एक ही दिन पड़ रहा है, कल्याणकारी है, लाभकारी है।
ये थे आचार्य विक्रमादित्य जी, जिन्होंने हमें सभी राशियों के बारे में बताया और जानकारी दी, और ये भी बताया कि इस शुभ समय चल रहा है किस राशि के लिए और किस राशि को थोड़ा सावधान कर रहना चाहिए। कैमरा पर्सन राजेश शर्मा के साथ मैं अनमोल कुमार, समाचार वार्ता दिल्ली।